कोतवाली क्षेत्र के गांव बाटी में ग्रामीणों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवक को चोर समझकर बंधक बना लिया और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने घायल को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हाईवे के गांव मुकदमपुर निवासी हरिओम के अनुसार उसके भाई बंटी की 20 नवंबर को सड़क हादसे के बाद मानसिक हालत में पूरी तरह से सही नहीं है। वह शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे से अचानक गायब हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी उसके बारे में कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने थाना हाईवे में गुमशुदगी की तहरीर दी है। सुबह गाँव बाटी निवासी उनके रिश्तेदार का फोन आने पर जानकारी हुई कि बंटी को ग्रामीणों ने उसे बंधक मारकर मारपीट की है, वहीं जिसे बमुश्किल छुड़वाया गया है। क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो? हम मुकंदपुर से आए जी। मेरा नाम हरिओम है। क्या मामला हुआ है? ये हुआ सर, मेरा भाई कल मानसिक रूप से स्थिति खराब है सर, थोड़ी इसकी तो ये घर से निकल गया 10 बजे। तो हमने इसको छानबीन खोजबीन की 11 बजे तक लगभग रात को, हमको इसका कोई पता नहीं चला। फिर हमने हाईवे थाने में तहरीर दी, फिर वहाँ से तहरीर दे के हम घर चले गए। घर जाने के बाद सुबह में फ़ोन आया एक रिश्तेदार का बाटी से, तो वहाँ से बोला कि बंटी नाम का आपके यहाँ से कोई निकला है? मैंने यहाँ भाई मेरा भाई निकला है। तो बोला यहाँ पे है, आओ इसको ले जाओ आप। मैं बोला ठीक है जी। हम तुरंत वहाँ पे पहुँचे तो हमने जाके वहाँ देखा तो इसकी पिटाई बहुत की है सर, बाटी गाँव में। किन लोगों ने मारपीट की? अब ये ठाकुर लोग, सोनू मतलब रिश्तेदार है हमारा, वो जानकारी दे देंगे हमको और अच्छी। तो क्या मतलब, क्या समझ के मारपीट करा? ये पेड़ से बांध के मारा सर, रात को। रात को सर, पूरी रात ये पीटा है। मतलब ऐसे सुबह में मिलाया हमको रिश्तेदार के यहाँ पे, उन्होंने जब फोन किया बोला अभी मैं लेके आया हूँ इसे अपने यहाँ, ये रात भर वहीं रहा है, पेड़ से बांध के मारा सर इसे। हम तहरीर देने के लिए आए जी यहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर इसके साथ जो हुआ उसका न्याय मिले। तहरीर दे दी है? हाँ जी सर।